नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल एक्स वाई जेड सब कुछ। तो दोस्तों, मैं लोक अदालत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं। जो नई सूचना आई है उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, आप दिल्ली में रहते हैं या फिर दिल्ली से बाहर यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, बिहार, कहीं पे भी रहते हैं, सभी को ये वीडियो पूरी देखनी है। अगर आपका किसी भी प्रकार का अगर चालान कट गया है और आप उसे लोक अदालत में भरना चाहते हैं, तो आपके लिए वीडियो जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, लोक अदालत में प्राइवेट या फिर कमर्शियल दोनों प्रकार के जो ड्राइवर हैं या फिर मालिक हैं, अपने चालान को भर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि कौन सी डेट के चालान इस लोक अदालत में भरे जाएंगे और किस राज्य में कौन सी डेट को ये लोक अदालत लगेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सभी भाइयों से कहना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, क्योंकि हमारे इस चैनल पे हमेशा ट्रांसपोर्ट से जुड़ी छोटी बड़ी जानकारी हमेशा मिलती रहती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस लोक अदालत में 30 अप्रैल 2022 तक जितने भी चालान कटे हैं वही चालान इस लोक अदालत में भरे जाएंगे। अब दोस्तों, इसमें ये नहीं है कि 30 अप्रैल से पहले जितने भी चालान कटे हैं वो सभी भर जाएंगे, नहीं। चालान भरने की एक लिमिट है। हाँ जी दोस्तों, ये लिमिट करीब 1.5 लाख के आसपास है, मतलब 1.5 लाख से नीचे ही है, ठीक है। उतनी लिमिट के ही चालान भरे जाएंगे जितने भी 30 अप्रैल से पहले कटे हैं। जो लिमिट है वो अगर पूरी हो जाती है तो दोस्तों, बाकी के जो चालान बच जाएंगे वो अगली लोक अदालत में भरे जाएंगे। बाद में आप कमेंट करके पूछते हैं, सर मेरा तो 30 अप्रैल से पहले चालान कटा था लेकिन मेरा इसमें डाउनलोड नहीं हुआ। तो दोस्तों, यही कारण रहता है कि चालान की लिमिट पूरी हो जाने के कारण आपका चालान डाउनलोड नहीं होता है। तो डाउनलोड ना हो तो आप क्या करेंगे, फिर अगली लोक अदालत में उसे भर सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जिसके भी जैसे भी चालान है, ठीक है, आपका चाहे किसी भी प्रकार का चालान हो, आप इसको डाउनलोड करके अवश्य देखें। अगर आपका डाउनलोड हो जाएगा तो आपका 90% लोक अदालत में चालान भर जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम कर लेते हैं दिल्ली की बात। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि नेशनल लोक अदालत की जो पहले डेट तय की गई थी, तारीख तय की गई थी, वो थी 13 अगस्त 2022, ठीक है दोस्तों। लेकिन दिल्ली में 15 अगस्त के प्रोग्राम के चलते हुए, सिक्योरिटी को देखते हुए, 13 अगस्त की लोक अदालत को कैंसिल करके दिल्ली के अंदर 21 अगस्त को यह लोक अदालत लगेगी। हाँ जी दोस्तों, सभी दिल्लीवासी नागरिक और ड्राइवर भाई सारे सुन लें कि दिल्ली के अंदर यह लोक अदालत 21 अगस्त 2022 को लगेगी। और 21 अगस्त को जो लोक अदालत लगेगी उसके चालान जो डाउनलोड होंगे वो 17 अगस्त 2022 को सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे। तो चालान कहाँ से डाउनलोड करना है, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सुबह 10 बजे 17 तारीख को आप चालान डाउनलोड कर सकते हैं। जितनी जल्दी आप चालान डाउनलोड करेंगे तो आपका चालान डाउनलोड हो जाएगा। आप इंतजार करते रहेंगे तो लिमिट पूरी हो जाएगी, आपका चालान डाउनलोड नहीं होगा। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दिल्ली के बाहर के राज्यों की, जैसे यूपी, बिहार, पंजाब, राजस्थान, गुजरात या फिर अन्य, मतलब दिल्ली के बाहर के सभी राज्यों की बात कर रहा हूं मैं। तो दोस्तों, दिल्ली के बाहर जितने भी राज्य हैं वहां पे ये लोक अदालत जो है 13 अगस्त को ही लगेगी। हाँ जी दोस्तों, 13 अगस्त यानी कि कल ये लोक अदालत लगेगी। तो सभी दिल्ली से बाहर रहने वाले भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई चालान है तो आप कल 13 अगस्त को सुबह जाके अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, मैं बता दूं दिल्ली के बाहर जितने भी ड्राइवर भाई या फिर जितने भी भाई हमारे रहते हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है या नहीं भी कर रखा, हमारी वीडियो को देखते हैं, तो सभी अपने जितने भी चालान हैं आपके जिला में जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है उस कोर्ट में जा सकते हैं या फिर आप अपनी तहसील में भी जा सकते हैं। मान लीजिए आप किसी गांव देहात में रहते हैं तो आप अपनी तहसील में भी पता कर सकते हैं। अगर तहसील में ये लोक अदालत लगी हुई है तो आप वहां पे जाके अपने चालान भर सकते हैं। अगर तहसील में नहीं लगी है तो फिर आप अपने जिला कोर्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके ये चालान भर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, दिल्ली के बाहर के जितने भी भाई रहने वाले हैं वो अपनी गाड़ी के डॉक्यूमेंट जैसे RC वगैरह हो गई ये जरूर लेके जाएं, और अपना अपनी ID वगैरह लेके जाएं, जैसे लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड हो गया, इस प्रकार के डॉक्यूमेंट अवश्य लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पे ये डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं। और दिल्ली में तो सिर्फ दोस्तों ये डाउनलोड करना पड़ता है, डाउनलोड करके ले जाओ, वहाँ पे चालान भर जाता है। तो दोस्तों, दिल्ली के बाहर के रहने वाले सभी भाइयों को मेरी बात समझ में आ गई होगी कि आपके चालान जो है लोक अदालत के वो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या फिर तहसील में भरे जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी जानकारी लोक अदालत के बारे में। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही जानकारियाँ हमेशा आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।